पैरा कमांडो कैसे बने। बहुत सारे हमारे युवा भारतीय सेना की तैयारी करते हैं लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि क्या मैं इंडियन आर्मी से ही पैरा कमांडो बन सकता हूं। तो साथियों हमारे साथ मौजूद हैं विपिन कुमार तिवारी जो कि भारतीय सेना में इस समय चयनित है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन आर्मी से पैरा कमांडो कैसे बने। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। साथियों आप सभी को पता होगा कि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी से पैरा कमांडो कैसे बने। बहुत सारे हमारे युवा जिनकी हार्दिक इच्छा होती है कि मैं भारतीय सेना में पैरा कमांडो बनकर माँ भारती की सेवा करूं, लेकिन उनको प्रोसेस नहीं पता होती है कि क्या मैं ट्रेनिंग जाने से पहले पैरा कमांडो बन सकता हूं, ट्रेनिंग जाने के बाद भी मैं क्या पैरा कमांडो बन सकता हूं, अगर बन सकता हूं तो यह प्रोसेस किस प्रकार है। तो साथियों मैं आप सभी को बता दूं कि दो प्रकार से ही आप पैरा कमांडो बन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे युवा साथी होते हैं जिनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है और तैयारी करते रहते हैं उसके बाद फाइनली वो इंडियन आर्मी में जा करके अपनी सेवा देते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी TOD टूर ऑफ ड्यूटी जो कि अग्निवीर योजना है जो कि मात्र 4 साल की है, और अगर आप अग्निवीर बनते हैं तो 4 साल बाद बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप अग्निवीर बनने के साथ साथ पैरा कमांडो को ज्वाइन करते हैं तो आप परमानेंट हो जाएंगे, आप परमानेंट भर्ती हो जाएंगे, आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक इंडियन आर्मी जो कि परमानेंट सैनिक होता है वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है विपिन कुमार तिवारी जी आपका सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। आप पैरा कमांडो की प्रोसेस बताएंगे कि पैरा कमांडो में किस प्रकार चयन हो सकते हैं। जय हिंद गुरुजी। जय हिंद। पैरा कमांडो में दो प्रकार से सिलेक्शन हो सकता है जी। एक तो RO से होता है जी जी, जो ज्वाइनिंग लेटर मिलने से पहले होता है। हाँ। दूसरा एक यूनिट से होता है जी। जो RO से होता है उसमें दो प्रोसेस होते हैं कि जिन बंदों का NCC होता है, जो 5 साल का कोर्स होता है, इसमें एक ग्रेडिंग होती है, अल्फा ग्रेडिंग जी, उनका चयनित किया जाता है, और दूसरा जिनका 100 नंबर का फिजिकल होता है जी, उन लोगों को लिया जाता है। फिर उसमें प्रोसेस ये होता है कि 5 किलोमीटर रनिंग होती है जी, जो 18 मिनट में मारनी पड़ती है जी, और 14 बीम होती है जी, और सेटअप 100 सेटअप होते हैं और 100 पुशअप होते हैं जी जी, इसमें ये प्रोसेस होता है। अगर ये आप सारा आप क्लियर कर लोगे हाँ। तो पैरा कमांडो में आप सर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो पैरा कमांडो में जैसा कि अभी आपने एक बताया था कि NCC C अल्फा ग्रेड, NCC A होना चाहिए, NCC C में अल्फा ग्रेड होना चाहिए और 100 का फिजिकल होना चाहिए, जैसा कि 60 नंबर की रनिंग और 40 बीम के, तब आपका 100 का फिजिकल कंप्लीट होता है। तो क्या ये दोनों चीज़ें होना अनिवार्य हैं या फिर किसी एक चीज़ के होने से आप पैरा में चयनित कर लिए जाएंगे? किसी एक चीज़ से होने से आप पैरा में सेलेक्ट कर लिए जाओगे। अगर आपके पास कोई एक चीज़ है, जैसे अगर NCC C सर्टिफिकेट अल्फा ग्रेड से है हाँ। या फिर आपका 100 का फिजिकल है हाँ। तो दो में से कोई भी एक चीज़ है तो आपको ट्रेनिंग के लिए, मतलब आपको पैरा के लिए चयन कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको फिजिकल देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा हाँ, जिसमें रनिंग और चिनअप और पुशअप सब तुमको आपको क्वालिफाई अच्छा, करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें क्वालिफाई करने के बाद ही आप पैरा में जा पाएंगे। अगर आपने रनिंग को 18 मिनट में क्लियर नहीं किया या फिर आपने चिनअप 14 नहीं लगाई या फिर आपने पुशअप और सेटअप 100 नहीं लगाई तो आप पैरा में चयन नहीं हो पाएंगे जी। फिर आपको यूनिट भेज दिया जाएगा जी। उसके कुछ समय बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा हाँ। फिर आपको यूनिट से भेज दिया जाएगा पैरा कमांडो के लिए, अगर चयनित नहीं हो पाए आप तो। अच्छा अच्छा। फिर आपको यूनिट से भी एक चांस दिया जाएगा। अच्छा, क्योंकि हर यूनिट में CO के थ्रू कुछ वैकेंसी आती है पैरा कमांडो के लिए जी, जी। जिसमें 3 या 4 या 2 आती है। अच्छा, जिसमें सर इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है कि मतलब कितने दिन बाद ये वैकेंसी आया करती है पैरा कमांडो की? साल में एक बार आती है। साल में एक बार हाँ। आप अगर सैनिक बन गए हैं हाँ। उसके बाद भी आपको साल में एक बार चांस मिलता है, उसमें क्या प्रोसीजर रहता है? उसमें ये प्रोसीजर रहता है जो यूनिट के टापर बंदे होते हैं, BPT होती है, PPT होती है, जिसमें सर BPT और PPT की थोड़ी सी डिटेल्स देंगे आप? BPT ये होती है जिसमें 5 किलोमीटर रनिंग होती है,
इसमें पिट्ठू और राइफल सब कुछ पूरा सर, ये वेट मतलब पूरा रख के आपको रनिंग करना होगा। हाँ, सर इसमें टाइम क्या होता है? इसमें टाइम होता है 23 मिनट, सुपर एक्सीलेंट होता है। 23 मिनट सर, ये जो सारी चीजें टांग के मतलब पिट्ठू गन जो भी होता है, इसका सर वेट कितना होता होगा? इसका वेट लगभग 12-12 kg होता है। 12 kg होता है। हाँ। जी सर, फिर उसके बाद जो आपने दूसरा प्रोसीजर बताया बीपीटी हो गया और एक पीपीटी, पीपीटी क्या होता है सर? पीपीटी होता है 2.5 किलोमीटर रनिंग होती है, जिसका 9 मिनट में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, वो भी सुपर एक्सीलेंट होता है। अच्छा, तो जब आप दोनों में सुपर एक्सीलेंट होंगे तभी आपका पैरा के लिए चयन होगा? हाँ, नहीं तभी यूनिट से आपका नाम दिया जाएगा। अच्छा, नाम दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। जी जी, फिर बंदा ट्रेनिंग पे जाएगा। हाँ, वहाँ अगर ट्रेनिंग को उसने अच्छे से प्रोसेस से पूरी कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया फिर वो यूनिट पुनः भेज दिया जाएगा। अच्छा, फिर से पुनः यूनिट भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि वो घर भेजा जाएगा? नहीं नहीं, घर नहीं। तो सर ऐसा है कि जो कुछ बच्चे, ये तो हो गया कि सिलेक्ट बच्चे जो इंडियन आर्मी में जॉब कर रहे हैं, उसके बाद की जो ट्रेनिंग करने से पहले उनको पैरा की ट्रेनिंग में भेजा जाता है, जैसा कि आपने बताया था कि ट्रेनिंग में जाने से पहले ही एक पैरा में सिलेक्शन होता है, अगर वह अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते, जो पैरा कमांडो की जो कि काफी टफ ट्रेनिंग होती है, उसको अगर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो क्या उनको घर भेज दिया जाता है या फिर पुनः उनको सैनिक बनाया जाता है? उनको पुनः जिस यूनिट में उनका चयन हुआ होता है उसी यूनिट में पुनः भेज दिया जाता है। अच्छा, उनको घर नहीं भेजा जाता है। अगर वो भर्ती हो चुके हैं, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, वहां से उनको पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। अगर पैरा कमांडो की ट्रेनिंग वो नहीं कर पाए, बीच में छोड़ दिया, किसी कारण चोट लग गई या किसी कारण कोई आपदा उपदा आ गई, तो उनको पुनः यूनिट भेज दिया जाता है, क्योंकि वो भर्ती हो चुके, सेलेक्टेड हो चुके हैं, उनको पैरा के लिए भेजा गया था, तो पैरा में नहीं सिलेक्शन हुआ तो पुनः उनको यूनिट में भेज दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, यूनिट में उनको भेजने के बाद अगर वो अग्निवीर के पद पर भर्ती हुई तो 4 साल उनसे नौकरी कराई जाएगी। अच्छा, 4 साल जॉब कराई जाएगी, उसके बाद उनको पुनः घर भेजा जाएगा, जो अग्निवीर का प्रोसेस बना है उसी प्रोसेस के अनुसार उनको नौकरी 4 साल की कराने के बाद पुनः घर भेजा जाएगा। और उसके अंतर्गत अगर वो सिलेक्टेड हो रहे हैं, 25% में अगर उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो उनको पुनः आगे 17 साल के लिए कार्यरत कर दिया जाएगा। जी, तो ऐसा है कि अगर आप पैरा कमांडो बनते हैं तो वहां से आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी, मतलब आपका परमानेंट सिलेक्शन है। क्या होता है उसका, कितना, 21 साल होता है या 18 साल होता है? किसका? जब आप परमानेंट होते हैं तब 17 साल होता है। 17 साल, 17 साल मिनिमम होता है। 17 साल के बाद अगर आप प्रमोशन लेते रहोगे तो आप 17 साल के बाद आगे आपकी सर्विस बढ़ती रहेगी, लास्ट सर्विस उसकी 32 साल होती है। तो युवाओं के लिए एक पैरा कमांडो बेस्ट ऑप्शन है, अगर वो परमानेंट सेवा देना चाहते हैं भारतीय सेना में, वो अपना फिजिकल दमदार तरीके से करें, ठीक है, और कोशिश यह करें कि भारतीय सेना में जब अपनी रनिंग को करने जाएं तो एक्सीलेंट रनिंग और 10 बीम, मतलब 60 का रनिंग और 40 का बीम, मतलब कुल मिला के आपका 100 का फिजिकल होना चाहिए। अगर आपका 100 का फिजिकल होगा और अच्छे नंबरों से पास होंगे, एक और बात है कि मेडिकल में रीमेडिकल नहीं लगा होगा तो आपको पैरा के लिए वहां पर भेजा जाएगा, एक सुनहरा मौका आपको दिया जाएगा। हाँ, वहां से आप भारतीय सेना में पैरा कमांडो के थ्रू आप परमानेंट जॉब कर सकते हैं, मां भारती की सेवा परमानेंट कर सकते हैं। जी, और जो हमारे युवा साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप किस प्रकार संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे तैयारी करें, कैसे अपना फिजिकल प्रिपेयर करें और किस प्रकार से पढ़ाई करें? जी देखो, उन लोगों को फिजिकल तो स्वयं अपने आप में उनको तैयार करना पड़ेगा। जी। और फिजिकल का ऐसा कुछ सिस्टम होता है कि बंदे के अंदर जितना जोश जज्बा होता है कि पहले 2 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, धीरे धीरे अपना स्टेमिना बनाना पड़ता है। हमारा कहना तो यही है कि पहले उनको लॉन्ग रनिंग करनी चाहिए। जी, बिल्कुल। कि पहले 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जितने उनके शरीर में कैपेसिटी हो, उसके बाद अगर लॉन्ग रनिंग करने के बाद वो शॉर्ट रनिंग करेंगे, 2 किलोमीटर का ट्रेल देंगे, तो उनकी टाइमिंग थोड़ी अच्छी आएगी, क्योंकि जो बंदा 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर कंटिन्यू दौड़ रहा, उसके बाद उसको 2 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा तो उसके ऊपर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। हाँ। उसको भार भी हल्का लगेगा और अच्छे से अपनी टाइमिंग दे सकता है। फिर उसके बाद 1500 मीटर का ट्रेल होगा, 1500 मीटर का ट्रेल जब होगा तो अच्छी टाइमिंग आ जाती है, तो 1500-1600 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर 1500 की आपकी टाइमिंग 4:20 या 4:25 आ चुकी है तो उसमें 100 मीटर का 10-12 सेकंड जोड़ सकते हो, आपकी टाइमिंग अच्छे से आ सकती है, उसमें यह प्रोसेस होता है। और फिर थोड़ा यह भी होता है कि बंदे के अंदर अगर लगन है, फौज में जाने का जुनून जज्बा है, तो फिर कोई बड़ी कठिनाई की बात नहीं है कि रनिंग 2-4 सेकंड तो अपने जुनून जज्बा से भी काट सकता है। जी बिल्कुल। तो सर का यही कहना है कि देखिए क्या है कि एक तो रेगुलरिटी, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, क्योंकि किसी ने कहा है कि मैथ और रनिंग
एक प्रकार की होती है। अगर आप प्रैक्टिस बंद कर देंगे तो आप उसको भूल जाएंगे। मैथ की प्रैक्टिस बंद करते हैं तो मैथ भूल जाएंगे, और रनिंग की प्रैक्टिस बंद करेंगे तो जो आपकी रनिंग है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप रनिंग करते हैं तो उससे फिट भी रहेंगे, लेकिन अगर आपका सपना है भारतीय सेना ज्वाइन करने का, अगर आपका सपना है पैरा कमांडो ज्वाइन करने का, तो यह आप समझ लीजिए कि अपने फिजिकल को बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले, बहुत पहले की नहीं बात है, कुछ दिन पहले की बात है, मतलब 2-3 साल पहले की, जो कि पहला पड़ाव भारतीय सेना का केवल और केवल रनिंग होता था, जिसमें 400 घोड़े बैठते थे और उस टाइम में 18 से 20 बच्चों को ही सेलेक्ट किया जाता था। 18 से 20 बच्चे 400 में से रनिंग को क्वालिफाई करते थे। तो आप समझ लीजिए कि प्रथम पड़ाव फिजिकली मजबूत होना चाहिए, तब दूसरा पड़ाव आप मेंटली मजबूत होने चाहिए। क्योंकि अगर आप फिजिकली मजबूत नहीं होंगे तो आप भारतीय सेना में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद गुरु जी। जय हिंद।